फैक्ट्स अबाउट बीगल। 40 cm का हाइट, 12 किलो का वजन और साथ में बहुत ही शैतानी करने वाला काबिलियत इस डॉग को बहुत अलग बनाता है। हमने आज तक जितने भी डॉग्स को लेकर बात किया उनमें से ये डॉग ब्रीड सबसे अलग है। अभी इनकी शैतानी ही इनको बहुत ही अलग दर्जे का डॉग ब्रीड बनाता है। चलिए बात करेंगे आज एक ऐसा डॉग ब्रीड को लेकर जिनके इंटेलिजेंस, फुर्ती, टेम्परामेंट और चुरबुला स्वभाव आपको दीवाना बना के रख देगा, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। और अगर आपको एक डॉग चाहिए तो शायद ये वाला डॉग ब्रीड आपके लिए एकदम सही हो सकता है, तो पूरा वीडियो देखना। नंबर वन, हिस्टोरी। अभी इनके हिस्टोरी को लेकर उतना कुछ पता नहीं है, उतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इंसानों के साथ रह रहे हैं और पहली बार इनको ब्रीड किया गया था शिकार करने के लिए। अभी वो शिकार नहीं करते, शैतानी करते हैं। नंबर टू, बेसिक स्टैट्स। हाइट की बात करें तो उतने लंबे नहीं होते, करीब 40 cm जितना होते हैं। वजन में करीब मेल का होता है 12 किलो का और फीमेल का होता है करीब 10 किलो का, तो उतने बड़े डॉग नहीं होते, लेकिन हाँ उतने छोटे भी नहीं होते। और अगर आपका घर छोटा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा इनको रहने के लिए। इनके छोटे बाल इनको बहुत ही अलग पहचान देते हैं, जो दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। नंबर थ्री, टेम्परामेंट। बहुत ही शानदार, बहुत ही सुशील डॉग ब्रीड जो बिल्कुल बार्क नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसका पूरा उल्टा है। हाँ बार्किंग उतना नहीं करते, लेकिन बहुत शरारती होते हैं, जिनके चुलबुला स्वभाव घर के सारे के मेंबर का दिल लगा के रखेगा। और साथ में इनकी इंटेलिजेंस, इनकी फुर्ती और उनकी सारा दिन खेलने का क्षमता इनको बहुत अलग दर्जे का डॉग बनाता है। जो आपके बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उनको बच्चों के साथ खुला नहीं छोड़ सकते आप, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। और उस विषय पे आपका ट्रेनिंग बहुत काम आने वाला है। अगर आप इनको अच्छे से ट्रेन करते हो तो ये बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट डॉग हो सकते हैं। नंबर फोर, मेंटेनेंस। अब ये वाला टॉपिक बहुत ही हाइप में रहता है कि एक डॉग को मेंटेन करने के लिए कितने पैसे की जरूरत होगा। तो बात करते हैं इस डॉग को लेकर, इनकी मेंटेनेंस थोड़ा हाई ही है। करीब 10,000 रुपए लगेंगे आपको इनको मेंटेन करने के लिए हर महीने। इनको रेगुलर ग्रूमिंग, अभी अगर रेगुलर नहीं कर सकते तो कम से कम हफ्ते में एक बार ग्रूमिंग बहुत जरूरी होता है इनके लिए। साथ में इनको टॉयज चाहिए होता है खेलने के लिए, और खाने के लिए भी आपको अच्छा खासा खर्च करना पड़ेगा, तो पैसे तो आपको खर्च होने वाले हैं। अभी पैसे की बात हो रहा है तो बात करते हैं प्राइस को लेकर। नंबर फाइव, प्राइस। अभी देखिए, इन महाशय का इंट्रोडक्शन आपको मालूम पड़ ही हो गया होगा कि ये महाशय सस्ते में तो आपको मिलने वाले बिल्कुल नहीं है, और ऐसा ही है। करीब 30 से लेकर 60,000 रुपए में आपको ये मिल जाएंगे, जो उतने हाई भी नहीं होते लेकिन उतने सस्ते भी नहीं होते। तो अगर आप इनको अफोर्ड कर सकते हैं तो ले लो, फिर कोई दिक्कत है। नंबर सिक्स, लाइफ टाइम। अभी देखिए, बात करते हैं लाइफ टाइम को लेकर। अगर आप एक फैमिली डॉग चाहते हैं तो आपको एक ऐसा डॉग भी लेना पड़ेगा जो बहुत लंबे टाइम तक आपकी फैमिली के साथ रह सके। और इस विषय में बीगल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इनका 12 से लेकर 13 साल की इनकी उम्र इनका अच्छा फैमिली डॉग बनाता है। अभी आखिरी पॉइंट, माय ओपिनियन। अभी देखिए, अगर आप इस नन्हे शैतान को संभाल सकते हैं, अगर आप इनका अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं, अगर आप इनको अफोर्ड कर सकते हैं तो इनको ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको उतना कोई दिक्कत नहीं आएगा इस इनको संभालने के लिए, और इंडिया के माहौल के लिए एकदम ही सही होते हैं। हाँ अभी विंटर में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाकी टाइम एकदम चिल है बॉस, कोई दिक्कत नहीं है। इनका चुलबुला स्वभाव घर के सारे मेंबर का दिल लगा के रखेगा, तो आप इनको ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस पे। तो आज का वीडियो जहाँ पर आज हमने बात किया बहुत ही शैतान डॉग ब्रीड को लेकर, बीगल। अभी देखिए, हम इनको शैतान बोल रहे, इसका मतलब भी नहीं कि वो खराब है, मतलब हम उनको प्यार से बुलाते, ठीक है? प्यार देख रहे हो मेरा, हाँ वही प्यार है। तो बताएगा कैसा लगा आज का वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स पे, क्या भी इनको लेना चाहेंगे अपना थॉट शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्स पे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए दिस इज द बॉय साइनिंग ऑफ, टाटा।